Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या फिर पीसीबी क्या होते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। अगर पीसीबी की बात की जाए या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की बात की जाए तो आज हम देखें तो हम हर चीज़ में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रेजेंट होते हैं। टॉयज भी लेकर, टॉयज में भी प्रेजेंट होते हैं, रिमोट में प्रेजेंट होते हैं, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, एवरीथिंग, हर चीज़ के अंदर हमारे पास पीसीबी प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पीसीबी है क्या। पीसीबी हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को माउंट कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट को माउंट कर सकें और फिर सर्किट बना सकें। अब क्या करते हैं, पीसीबी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट को आपस में कनेक्ट करता है कॉमन बोर्ड पर, सही। इससे क्या होता है कि हमें कोई वायरिंग की नीड नहीं होती और सारे कॉम्पोनेंट इंटरनली कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। अगर हम यहाँ पर इस पिक्चर में भी देखें तो हमारे पास किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट माउंट हुए हैं, सरफेस माउंट हुए हैं कि कोई भी मतलब कोई वायर नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल तरीके से माउंट हुए हैं। अब अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास कंपोनेंट देखें इस तरीके की हमारी पीसीबी होती है जिस पर कंपोनेंट माउंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होते हैं, माउंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इस पर देखें इस तरीके से कोई वायर की नीड नहीं होती, सरफेस माउंट होते हैं, सही। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर है हमारे पास एक स्कीमेटिक बनी हुई है, उसको कन्वर्ट करके दिखाया है पीसीबी में। अगर हम इसी स्कीमेटिक को अगर वैरो बोर्ड पर या फिर जीरो बोर्ड पर बनाएं तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो चांसेस है एरर ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हम वायरिंग वगैरह जिस तरीके से हम खुद करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम इंटरनल कॉम्पोनेंट की वायरिंग नहीं कर रहे तो उससे क्या होंगे, एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर यही चीज़ हम पीसीबी पर ड्रॉ करें तो उससे एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। पीसीबी के पार्ट्स की बात की जाए तो पीसीबी के जो मेन पार्ट होते हैं वो फोर हैं, सबस्ट्रेट, कॉपर लेयर, सॉलिड मास्क, सिल्क स्क्रीन। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, इनका क्या फंक्शन है। अगर हम पीसीबी के मेन कंपोनेंट की बात करें तो वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसका बना होता है, फाइबर ग्लास का। अब फाइबर ग्लास क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म, वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ किसको, पीसीबी को, ताकि टूटने से बचाया जा सके उसको। अगर हम सिंपल इसको कहा जाए तो सिंपल हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पीसीबी का स्केलेटन है। अगर पीसीबी के सेकंड पार्ट की बात की जाए जो है कॉपर लेयरिंग या फिर कॉपर प्लेटिंग, वो इसलिए की जाती है ताकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी किया जा सके कहाँ से, टू एंड फ्रॉम द पीसीबी। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में सिग्नल कैरी किए जाते हैं, इसी तरीके से हमारे पास कॉपर लेयर सिग्नल को कैरी करने का काम करती है और ट्रांसमिट करने का काम। कॉपर लेयर के बाद हमारे पास जो थर्ड मेन पार्ट है पीसीबी का वो है सोल्डर मास्क। सोल्डर मास्क किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है पॉलीमर की। ये क्या करती है, बेसिकली प्रोटेक्ट करती है कॉपर को ताकि अगर कोई इन्वायरमेंट के साथ अगर ये कांटेक्ट में आता है कॉपर तो इससे शॉर्ट सर्किट ना हो। और अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सोल्डर मास्क जो है वो बेसिकली पीसीबी की स्किन का काम करती है। सोल्डर मास्क के बाद जो हमारे पास फाइनल पार्ट आता है पीसीबी का वो आता है सिल्क स्क्रीन। सिल्क स्क्रीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो कंपोनेंट जहाँ पर हमारे पास माउंट होते हैं वहाँ पर हमारे पास सिल्क स्क्रीन प्रेजेंट होती है। अब सिल्क स्क्रीन हमारे पास क्या चीज़ को शो करती है, वो शो करती है पार्ट नंबर, लोगोस, सिंबल, कॉम्पोनेंट रेफरेंस, टेस्ट पॉइंट, इन सब चीज़ों को सिल्क स्क्रीन के थ्रू शो किया जाता है। अभी जो हमने डिफरेंट पार्ट देखे पीसीबी के, अगर हम उसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, सिल्क स्क्रीन, सोल्डर मास्क, कॉपर लेयर और सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर वो ग्लास फाइबर है। ग्लास फाइबर में कौन सी कैटेगरी यूज़ करते हैं, FR4। अगर हम रियल व्यू देखें तो हम डिफरेंट पार्ट को ईजिली विजुलाइज कर सकेंगे पीसीबी के। सोल्डर मास्क क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, सही। यहाँ पर जो ग्रीन कलर का मास्क दिया हुआ है ये क्या है, सोल्डर मास्क। उसके बाद हमारे पास होती है सिल्क लेयर या फिर सिल्क स्क्रीन वाइट कलर में जो है, जहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट PWR, ये सारी किससे होती है, सिल्क स्क्रीन के थ्रू होती है, सही। उसके बाद हमारे पास होती है कॉपर लेयरिंग। कॉपर लेयरिंग के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफ़र हो सके, जो ब्राउन कलर के हमारे पास दिख रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीसीबी की बात की जाए तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें पीसीबी को डिज़ाइन करना पड़ेगा, यानी कि उसकी टेक्निकल ड्राइंग बनानी पड़ेगी, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रिंटिंग है जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी, ईजी EDA है, ऑटोडेस्क ईगल है, कीकैट DS PCB है, ये सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिस पर हम पीसीबी ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी टेक्निकल ड्राइंग हम सॉफ्ट में बना सकते हैं। हमारे पास पीसीबी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, पीसीबी फैब्रिकेशन हाउस, ताकि इसको पीसीबी को बिल्ड किया जा सके, सही।
टू में हमारे पास क्या होता है, प्रिंटिंग द पीसीबी डिज़ाइन। सारे चेक कंप्लीट हो गए, उसके बाद हमें क्या करना है, पीसीबी को प्रिंट करना है। पीसीबी को हम इसलिए नॉर्मली प्रिंटर से प्रिंट नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास स्पेशल काइंड के प्रिंटर आते हैं जिनको हम प्लॉटर प्रिंटर कहते हैं, उनके थ्रू हम फिल्म बनाते हैं पीसीबी। स्टेप थ्री में क्या होगा कि हमें पीसीबी को प्रॉपरली इसको डिज़ाइन करना है, हमने प्रिंट करवा लिया सही, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पर कॉपर की इचिंग होगी, यानी कि कॉपर की इचिंग से क्या होगा, हमारे पास जो एक्सेस कॉपर होगा वो रिमूव हो जाएगा, जो टेक्निकल ड्राइंग होगी या फिर ब्लू प्रिंट जो होगा वो सिर्फ उस पर रहेगा पीसीबी पर। स्टेप फोर में हमारे पास क्या होगा कि अननीडेड कॉपर या फिर अनवांटेड कॉपर जो पीसीबी पर रिमेनिंग है उसको रिमूव किया जाएगा, किसके थ्रू, अल्कलाइन सॉल्यूशन या फिर केमिकल सॉल्यूशन के थ्रू। स्टेप फाइव में क्या होता है, इंस्पेक्शन होती है, लेयर अलाइनमेंट होती है। ऑप्टिकल इंस्पेक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम लेयर को चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर नहीं होता तो उसको पास कर दिया जाता है, अगर एरर होता है तो उसको वहीं पर ही रोक लिया जाता है और फिर उसको करेक्ट किया जाता है। स्टेप सिक्स में क्या होता है, लेमिनेशन होती है। लेमिनेशन मीन्स अब हमारे पास लेयर्स पता चल गए कि वो डिफेक्ट फ्री है, उनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो अब क्या होगा, उनको आपस में फ्यूज किया जाएगा, आपस में ज्वाइन किया जाएगा सही। स्टेप सेवन में क्या होता है, हमारे पास ड्रिलिंग होती है। अब ड्रिलिंग करने से पहले एक्सरे मशीन यूज़ की जाती है ताकि लोकेट कर सके ड्रिल स्पॉट को, जहाँ पर हमें होल्स बनाने हैं उनको लोकेट कर सके। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ड्रिलिंग होती है होल्स की, तो उसके लिए कंप्यूटर गाइडेड ड्रिल यूज़ की जाती है ताकि होल बनाए जा सके सही। स्टेप एट में हमारे पास क्या होता है, पीसीबी की प्लेटिंग होती है। अब ड्रिलिंग परफॉर्म हो गई, उसके बाद प्लेटिंग प्रोसेस के लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट लेयर जो पीसीबी की है उनको फ्यूज़ कर सकें आपस में। अब क्लीनिंग भी प्रॉपरली हो गई, उसके बाद क्या होता है, पीसीबी को हम एक केमिकल सॉल्यूशन में डालते हैं। अब वो केमिकल सॉल्यूशन किसका होता है, वो होता है कॉपर का। अब उससे क्या होता है, कॉपर लेयर जो है डिपॉजिट हो जाती है हर जगह पर, इवन होल्स के अंदर भी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो होल्स के अंदर भी वो। स्टेप 9 और 10 में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम एक और लेयर अप्लाई करते हैं फोटो रेजिस्ट की, लेकिन इस मरतबा फोटो रेजिस्ट क्या होता है कि यहाँ पर लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये बेसिकली क्या हम किस पर अप्लाई करते हैं, हम इस मरतबा सिर्फ आउटसाइड लेयर। स्टेप 11 में क्या होता है, इचिंग परफॉर्म होती है, लेकिन इस मरतबा इचिंग कहाँ की होती है, आउटसाइड लेयर की होती है इचिंग। अब कॉपर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि कॉपर को जो हमारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टिन गार्ड यूज़ करते हैं ताकि कॉपर को प्रोटेक्ट किया जा सके इचिंग के प्रोसेस में। क्योंकि इचिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि हम केमिकल के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा या फिर अनवांटेड कॉपर है उसको रिमूव किया जा सके। अब वो किस तरीके से रिमूव करते हैं, उसके लिए केमिकल हम कौन सा यूज़ करते हैं, उसके लिए हम केमिकल भी ही सेम कॉपर सॉल्वेंट ही यूज़ किया जाता है ताकि रिमूव किया जा सके। 13 और 14 में क्या होगा, सिल्क स्क्रीनिंग की जाएगी। सिल्क स्क्रीनिंग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसमें हम मार्किंग करते हैं, यानी कि कंपनी आईडी नंबर लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मार्क्स लगाते हैं, वार्निंग लेबल लगाते हैं किसी भी पीसीबी पर। F15 में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रिलायबिलिटी टेस्ट किया जाता है। वहाँ पर टेक्नीशियन जो है वो टेस्ट करता है डिफरेंट पॉइंट को ताकि चेक कर सके कि पीसीबी की फंक्शनैलिटी प्रॉपर है या नहीं है। 16 में पीसीबी को कट किया जाता है ओरिजिनल पैनल से, उसके बाद हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर हम फाइनल आउटकम देखें, यानी कि फाइनल रिजल्ट देखें, तो हमारे जो पीसीबी मिलती है वो कुछ इस तरीके की मिलती है, पूरी बनी हुई, जिसमें ट्रेसेस होते हैं, पैड्स लगे हुए होते हैं, डिफरेंट वियाज होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास फाइनली जो आउटपुट हमें। अगर आप टाइप्स की बात की जाए पीसीबी की, तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं पीसीबी की। फर्स्ट वन सिंगल साइडेड पीसीबी, जिसको हम SS PCB भी कहते हैं। सेकंड वन डबल साइडेड पीसीबी, जिसको हम DS PCB भी कहते हैं। थर्ड वन मल्टी लेयर पीसीबी, जिसको MLPCB भी कहा जाता है। फोर्थ वन फ्लेक्सिबल पीसीबी, जिसको हम Flex PCB भी कहते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें जो है हमारे पास सिंगल साइडेड पीसीबी, तो इसमें हमारे पास जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, सोल्डर मास्क के बाद यहाँ पर क्या है, एक कॉपर की लेयर है, कोई नीचे कॉपर की सेकंड यानी कि दूसरे साइड पर कोई कॉपर की लेयर नहीं है। तो अगर ऐसी हम कहीं पर भी पीसीबी देखेंगे तो हम उसको क्या नेम देंगे, उसको नेम देंगे सिंगल लेयर पीसीबी। यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, अगर रियल पिक्चर देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर हमारे पास मार्किंग हुई भी होगी, सेकेंड साइड पर हमारे पास कोई कॉपर की लेयरिंग नहीं होगी। तो ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं कैलकुलेटर्स में, पावर सप्लाई में, जहाँ पर सिर्फ एक तरफ कॉपर लेयरिंग होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं।
अगर डबल साइडेड की बात की जाए तो डबल साइडेड में दोनों तरफ हमारे पास कॉपर की लेयर होती है, जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के कनेक्शन होते हैं, अटैचमेंट होती है। यहाँ पर अगर हम पिक्चर में देखें कि दोनों तरफ से उसके मार्क्स आ रहे हैं, उसके ट्रेसेस आ रहे हैं, उसके हमें ट्रैक्स मिल रहे हैं, यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, रियल पिक्चर में भी। और अगर हम इसका देखें तो हमारे पास दोनों तरफ कॉपर की लेयर प्रेजेंट है, टॉप लेयर भी है और बॉटम लेयर दोनों प्रेजेंट हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, डबल साइडेड। अगर हम कोई भी ऐसी पीसीबी देखें जहाँ पर दोनों तरफ कॉपर की लेयर हो, यानी कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की अटैचमेंट हो, उसके ट्रैक्स प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, डबल साइडेड पीसीबी। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, ये यूज़ की जाती है मतलब हाई पावर सप्लाई में यूज़ की जाती है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई में यूज़ की जाती है, इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइसेस में यूज़ की जाती है, एलईडी लाइटनिंग में यूज़ की जाती है, ऑटोमोटिव डैशबोर्ड में यूज़ की जाती है, एम्पलीफायर में, वेंडिंग मशीन में, मदरबोर्ड में जो हम देखते हैं उसमें भी हमारे पास यूज़ की जाती है। मल्टी लेयर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मल्टी लेयर पीसीबी में इसमें कॉपर की मल्टी लेयर्स होती हैं, यानी कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कॉपर फॉइल की लेयर फर्स्ट है, फिर उसके बाद सब्सट्रेट है, फिर उसके बाद कॉपर फॉइल की लेयर दोबारा है, उसके बाद कॉपर फॉइल की लेयर के बिटवीन हमारे पास एक और लेयर है, उसके बाद कॉपर फॉइल की लेयर है, उसके बाद सब्सट्रेट है, उसके बाद कॉपर फॉइल की लेयर है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इतने ज़्यादा माउंटेड होते हैं, यानी कि इंटरनली बहुत सारे लेयर्स के अंदर कंपोनेंट की अटैचमेंट होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मल्टी लेयर्ड पीसीबी। तो इसमें हम कोई भी चेंजिंग भी नहीं कर सकते, यानी कि इसके कंपोनेंट्स को हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनली भी आपस में कनेक्ट होते हैं, माउंट होते हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या होते हैं, सरफेस माउंट होते हैं, तो हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई यानी कि अगर इसके कोई कंपोनेंट ख़राब होते हैं तो इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये इंटरनली आपस में कनेक्ट है, चेंज नहीं किए जा सकते। अगर इसके एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये इंडस्ट्रियल में यूज़ की जाती है, मेडिकल डिवाइसेज में यूज़ किए जाते हैं, और बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है मल्टी लेयर्ड पीसीबी। क्योंकि आप मल्टी लेयर पीसीबी यूज़ किए जा रहे हैं तो इसकी वजह से एरिया भी रिड्यूस हो जाएगा, लेयरिंग ज़्यादा हो गई, एरिया रिड्यूस हो जाएगा, तो अब जो हमारी जितनी भी डिवाइसेस आ रही है उसमें मल्टी लेयर पीसीबी ही यूज़ की जाती है। अगर फोर्थ टाइप की बात की जाए पीसीबी की, तो वो हमारे पास है फ्लेक्सिबल पीसीबी, जिसका अब हमारे पास जो एरा है वो फ्लेक्सिबल पीसीबी का है। अगर हम देखें आजकल हर चीज़ के अंदर हर चीज़ फोल्डेबल है, बिल्कुल फ्लैक्स हो जाती है इजीली, जितनी भी वॉचेस आ रही है वो फ्लैक्स हो जाती है, क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं पॉलीमाइड, पॉलीस्टर, कंडक्टिव पॉलीस्टर फिल्म वगैरह यूज़ की जाती है, इसकी वजह से ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ईजिली हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, फ्लैक्स कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। अगर हम ये देखें यहाँ पर पिक्चर में, तो ये ईजिली यहाँ पर देखें सारी जितनी भी पिक्चर वो इजिली फ्लेक्स हो रही है, मूवेबल है, बैंड हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल पीसीबी है। इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इनमें यूज़ किया जाता है पॉलीमाइड, पॉलीस्टर, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है। इसका जो सब्सट्रेट है वो किससे बना हुआ होता है, पॉलीमाइड पॉलीस्टर से बना हुआ होता है। इसके बाद अगर इसके एप्लीकेशन की बात की जाए, तो इसकी एप्लीकेशन हमें पता है मेडिकल साइट पर भी है, और डिफरेंट जगह पर आजकल यही सब चीज़ें यूज़ की जा रही है, जैसे मोबाइल भी आजकल ऐसे आ रहे हैं फ्लेक्स हो जाते हैं इजीली, यानी कि बैंड भी हो जाते हैं, फ्लेक्स भी हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों में क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। आजकल ऐसी बैंडेजेस आ गई हैं जो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।